हमारे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, हम आपको फ़रा किचन में खुश आमदीद कहते हैं। आज हम आपके लिए आलू पालक की रेसिपी लेके आए हैं, जिसे हम अपने तरीके से पकाएंगे। हमने चूल्हे का बर्नर ऑन कर दिया। अब इसमें हम ये 200 ग्राम डालडा कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। जब तेल गर्म हो जाएगा, हमने इसमें दो प्याज दी थी बड़ी बड़ी, उसे हमने बारीक बारीक काट लिया है। अब तेल गर्म हो चुका है, हमने ये दो प्याज दी थी बड़ी, इसे हमने बारीक बारीक काट लिया था। हम इसे शामिल कर देंगे तेल में। हम इस प्याज को लाइट ब्राउन करेंगे, ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे, डार्क ब्राउन। डार्क ब्राउन अगर आप करोगे तो आपके ना खाने का रंग ख़राब हो जाता है, कलर चेंज हो जाता है, इसलिए हम इसे लाइट ब्राउन रखेंगे। फिर इसमें हम आलू शामिल कर देंगे। हमने 500 ग्राम आलू लिया था, उसे हमने पीसेस में काट दिया। फिर इसमें हम आलू शामिल कर देंगे। आलू इसमें डाल के हम 5 मिनट से भूनेंगे प्याज के साथ। फिर इसमें हमने 1 किलो पालक ली थी, पालक को हमने साफ़ करके काट लिया है, तो वो हमारी 1 किलो पालक जो थी कट के सारा कचरा निकालने के बाद आधा किलो जितनी रहेगी वो हम इसमें शामिल करेंगे। और आपको पता है कि पालक पकने के बाद और भी कम हो जाती है क्योंकि वो पानी छोड़ती है। अब इसे हम लाइट ब्राउन करेंगे, बिल्कुल इसका कलर चेंज नहीं करेंगे। अब ये प्याज हमारी गोल्डन ब्राउन हो गए थे, हम चाह रहे थे कि लाइट गोल्डन ब्राउन हो, लेकिन हम ज़रा वो मिर्ची लेने चले गए, हमारी प्याज थोड़ी सी गोल्डन हो गई। चलो कोई बात नहीं, इतनी भी सही। अब इसमें हमने इसमें ये 8-10 से लाल मिर्चें साबुत शामिल कर दिए। अब इसमें हम ये 1/2 किलो ये आलू है, इसे हमने छील के काट लिया था, इसे हम शामिल कर देंगे। अब इसे हम मिक्स करेंगे। 5 से 10 मिनट हम इसे कुकिंग ऑयल में भूनेंगे मिर्चों के साथ और प्याज के साथ। फिर इसमें हम कटी हुई पालक शामिल साफ करके काट लिया था, ये हम इसमें शामिल कर देंगे। ये 1/2 किलो से 3 पाउच तक रह चुकी है, क्योंकि जब इसको साफ़ करते हैं तो इसमें काफ़ी कचरा निकलता है। ये 3 पाउच जितने रह गए हैं। अब इसे हम आलूओं के साथ भूनेंगे। जब ये भून जाएगा तो फिर इसमें हमने 1/2 किलो टमाटर लिए हैं, आप पाव टमाटर भी ले सकते हैं। हम इसमें 1/2 किलो टमाटर डालेंगे, ताकि ये हमारी जो आलू पालक की रेसिपी, इसे हम गोश्त की तरह पकाएंगे। इसमें एक अलहदा से टेक्स्चर होगा, ये बहुत ही मज़े के पकता है। इसमें हम ज़ीरा भी शामिल करेंगे, साबुत ज़ीरा भी शामिल करेंगे। इसे हम डालते जाएंगे, चम्मच चलाते जाएंगे, ताकि जब हम इसको चम्मच चलाएंगे तो ये कम होता जाएगा। फिर हम इसमें मजीद पालक शामिल कर देंगे। ये 3 पाव जितनी पालक है और 1/2 किलो आलू हैं, इसमें हम 1/2 किलो जितने ये 400 ग्राम जितने टमाटर हम शामिल कर देंगे। पालक आपको पता है कि पककर कितनी छोटी सी हो जाती है भून के, ये काफ़ी पानी छोड़ती है। और इसमें पालक में हम नमक कम शामिल करेंगे, क्योंकि पालक में पहले ही नमक होता है। इसमें हम नमक अगर ज़्यादा शामिल करेंगे तो नमक बहुत ज़्यादा हो जाएगा, फिर खाने में मज़ा नहीं आएगा। इसमें हम नमक कम शामिल करेंगे, फिर हम चेक करेंगे, अगर हमें ज़रूरत होगी तो हम शामिल कर लेंगे। इसमें हम 1/2 स्पून सॉल्ट शामिल करेंगे। अब इसमें इसे हम भून लेंगे। इसमें हम 1/2 किलो ये 400 ग्राम जितने टमाटर शामिल कर देंगे। फिर बकाया मसाले शामिल करेंगे। पालक को आलू के साथ भूनते हुए 10 मिनट हो गए। अब ये देखें, ये 1 किलो पालक थी जिसे हमने काटा, तो 3 पाव रहेगी। अब हमने जैसे भूना है तो ये 1/2 किलो जितने रहेगी, तो ये 1/2 किलो पालक है और 1/2 किलो आलू है हमने। अब इसमें हम ये 1/2 किलो जितने टमाटर शामिल कर देंगे। ये बहुत ही मज़े का पकता है आलू पालक का सालन। आप इसे हमारे तरीके से पकाइएगा, बहुत मज़े का पकता है, बच्चे इसे बहुत शौक़ से खाते हैं। बच्चे अगर आलू पालक नहीं खाते हैं, आप इस तरीके से पकाएं, उन्हें दें, वो बार बार फरमाइश करेंगे। हमारे बच्चे तो आलू पालक बहुत शौक़ से खाते हैं, क्योंकि हम उसे पकाते ही डिफरेंट तरीके से, हम आलू पालक की गोश्त तरीके से पकाते हैं, ज़्यादा बच्चे से शौक़ से खाते हैं। इससे हम 5-10 मिनट भूनेंगे, फिर इसमें मसाले शामिल। अब टमाटरों को आलू पालक के साथ
पकते हुए 5 मिनट हो गए हैं। अब इसी स्टेज पे हम इसमें तमाम मसाले भी डाल देंगे ताकि मसाले इसके साथ अच्छी तरह भून जाएं। अब इसमें हम ये हाफ स्पून साबुत जीरा शामिल करेंगे। हाफ स्पून घर का भुना हुआ पिसा हुआ गरम मसाला शामिल कर देंगे। हाफ स्पून ये जीरा पाउडर शामिल कर देंगे, क्यूमिन पाउडर शामिल कर देंगे। वन स्पून हम इसमें ये क्रश धनिया है कुटा हुआ धनिया शामिल कर देंगे। वन स्पून इसमें हम ये रेड चिली शामिल करेंगे, लाल मिर्ची पाउडर शामिल कर देंगे। हाफ स्पून ये हल्दी पाउडर शामिल करेंगे, टर्मरिक पाउडर शामिल कर देंगे। इसमें हम 1 स्पून गेंजे गार्लिक पेस्ट शामिल करेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। फिर इसे हम अच्छी तरीके से भूनेंगे। अब इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट अब इसमें हम ये 1 स्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे, गेंजर गार्लिक पेस्ट शामिल कर देंगे। 20 ग्राम जितना हम इसमें क्रीम शामिल करेंगे, 20 ग्राम जितनी हम इसमें क्रीम शामिल करेंगे, ज़्यादा नहीं सिर्फ 20 ग्राम। ये क्रीमी आलू पालक की रेसिपी है, ये बहुत मज़े की होती है। इसमें हमारे व्यूअर्स हमने इसमें तमाम मसाले घर के डाले, इसमें कोई भी ऐसा मसाला नहीं है जो बाहर का हो, सिर्फ हमने इसमें 20 ग्राम क्रीम शामिल की है। अगर आप क्रीम शामिल करना ना चाहें तो ना क्रीम शामिल ना करें, स्किप कर दें, ज़रूरी नहीं। हमने तो सिर्फ जायके के लिए इसमें क्रीम शामिल की है, आप पर डिपेंड करता है। अगर आप क्रीम शामिल करना ना चाहें तो ऐसी भी पका सकते हैं, ये वैसे भी बहुत ही मज़े की पकती है। अब इसमें हम 1/2 स्पून काली मिर्ची पाउडर शामिल करेंगे, ब्लैक पेपर पाउडर शामिल करेंगे और हाफ स्पून जितना हम इसमें सॉल्ट शामिल करेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग योर टेस्ट शामिल कर सकते हैं। हम चेक करेंगे, अगर मज़ीद नमक की ज़रूरत हो तो हम शामिल कर देंगे, वरना काफ़ी है, क्योंकि पालक जो होती है इसमें भी सॉल्ट होता है। आप अपने अकॉर्डिंग और टेस्ट शामिल कर सकते हैं। अब इसे हम 10 से 15 मिनट भूनेंगे, फिर इसे हम कवर कर देंगे ताकि आलू इसी में गल जाए। हम इसमें पानी शामिल नहीं करेंगे, आलू इसी पालक के पानी में ही गल जाएंगे। हमारी आलू पालक को मसाले के साथ पकते हुए 10 से 15 मिनट हो गए हैं। अब इसका कलर आप देखिए क्या है। अब इसे हम 10 से 15 मिनट के लिए कवर कर देंगे, आलू इसी में ही गल जाएंगे। अब इसे हमने कवर कर दिया 10 से 15 मिनट के लिए। अब हमारी आलू पालक की रेसिपी को पकते हुए 10 से 15 मिनट हो गए हैं, आलू भी ऑफ डन हो गए हैं इसी में। ये देखो तो पानी बिल्कुल ड्राई हो गया है, पालक में जो पानी छोड़ा था उसी में ही आलू गल गए हैं। अब इससे हम ये देखें हमारे व्यूअर्स कितनी ज़बरदस्त ये आलू पालक की रेसिपी है। इसे आप हमारे तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसमें तमाम मसाले घर के, कोई भी मसाला हमने इसमें बाहर का नहीं डाला है, सिर्फ हमने 20 ग्राम क्रीम डाली है। अगर आप क्रीम शामिल करना ना चाहें तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। अब इसे हम 5 मिनट के लिए सिर्फ धीमी आंच पे रखेंगे, फिर इसे डिश आउट कर देंगे। सिर्फ 5 मिनट के लिए धीमी आंच पे रखेंगे। हमारे व्यूअर्स हमारी इस रेसिपी को धीमी आंच पे पकते हुए 10 मिनट हो गए हैं। अब इसे हम चेक करते हैं। देखिए हमारे व्यूअर्स हमारी ये आलू पालक की मसाले वाली रेसिपी तैयार है। इसमें इतनी खुशबू आ रही है, गोश्त जैसा जायका आ रहा है, आप इसे ज़रूर पकाइएगा। ये देखिए फाइन लुक भी, आलू भी गल चुके हैं, ये देखें बिल्कुल कंप्लीट तैयार है। अब इसे हम डिश में निकालें। हमने पालक को बॉयल नहीं किया था, हमने डाले किस में भूना था।
हम पालक को बॉयल नहीं करते हैं। अगर आप पालक को बॉयल करके डालना चाहें तो आप पालक को बॉयल करके डाल सकते हैं, लेकिन हम पालक को बॉयल नहीं करते, हम ऐसे ही डालते हैं। पालक को अगर बॉयल करें तो उसका जायका निकल जाता है, आप पे डिपेंड करता है। अगर आप बॉयल करके डालना चाहें तो बॉयल करके डाल सकते हैं और कूट के। देखें, इसको कूटने की भी ज़रूरत नहीं है, देखें कितने मज़े की बनी है। हमने इसे बॉयल नहीं किया, हमने डायरेक्ट इसको मसाले के साथ भुना है और इस तरह बहुत ही मज़े की पकती है। आप एक दफ़ा हमारे तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिए। अब इसे हम डिश में निकालेंगे। हमारे व्यूअर्स, ये हमारे आलू पालक की मसाले वाली रेसिपी तैयार है। इसे हमने गोश्त के स्टाइल में बनाए हैं, आप इसे हमारे तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिए। हमने इसमें सॉल्ट चेक किया था, जो हमने डाला था हाफ स्पून, इसमें काफ़ी है, इससे ज़्यादा नहीं डालेंगे इसमें, क्योंकि इसमें खुद सॉल्ट होता है। हमारे व्यूवर्स, आप हमारी इस रेसिपी को हमारे तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, ये आपकी तरफ से प्यार होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।